नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू चौटाला गांव में पहुंचने पर दिग्विजय चौटाला जेजीपी प्रधान महासचिव का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अपने पैतृक गांव चौटाला में पहुंचने पर दिग्विजय चौटाला का ढोल नगाड़ों के साथ और आतिशबाजी पटाखों के साथ उनका यहाँ पर स्वागत हो रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको गांव चौटाला से दिखा रहे हैं जहां पर गांव के मुख्य द्वार से दिग्विजय चौटाला पैदल चढ़कर लोगों का साथ में जो लोकसभा प्रत्याशी जो रमेश खटक हैं वो भी लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि जोरदार आतिशबाजी के बीच में दिग्विजय चौटाला का चौटाला गांव में पहुंचने पर स्वागत किया गया है। और ग्रामीण महिलाओं की ओर से सबसे पहले गांव के मुख्य द्वार पर जो दिग्विजय चौटाला रमेश खटक का यहां पर स्वागत किया गया है और उन्होंने पांव छूकर दिग्विजय चौटाला ने आशीर्वाद भी ग्रहण किया है। तो यह सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि रोड शो लेकर अपनी एक बड़ी जनसभा को यहाँ पर दिग्विजय चौटाला संबोधित करेंगे। और उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यह तस्वीर चौटाला गांव से है जहां पर एक बड़े रोड शो के साथ जो दिग्विजय चौटाला खुद पैदल चलकर लोगों के बीच में उनका अभिनंदन गांव की गलियों से होते हुए जनसभा में पहुंच रहे हैं। और उनके पीछे ठीक उनका आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में एक बड़े जो कैंटर के जरिए उसके अंदर वो सवार होंगे थोड़ी देर में। और तस्वीर में आपको जो जिला प्रधान वर्मा जी, सरजीत सिंह मसीता, तमाम जो जेजीपी के नेता हैं और ये आज पूरे का पूरा रोड शो जो कि रमेश खटक के समर्थन में वोट की अपील को लेकर सिरसा लोकसभा से शुरू हुआ, अब चौटाला में इसका समापन होगा। और बड़ी संख्या में जो गाड़ियों के काफिले के साथ जो दिग्विजय चौटाला अपने पैतृक गांव चौटाला में पहुंचे हैं और ये गांव की पहले मुख्य द्वार जो कि भारूखेड़ा रोड से हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर गांव के अंदर प्रवेश होता है, वहीं पर दिग्विजय चौटाला इस गाड़ी से उतर कर पैदल चलकर लोगों के बीच में अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला अपने रोड शो के साथ अपने पैतृक गांव चौटाला में पहुंचे हैं जहां पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। गांव चौटाला में भी पहुंचने पर बाइक रैली के साथ ढोल नगाड़ों के साथ दिग्विजय चौटाला का जो यहां पर स्वागत किया जा रहा है हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़े रोड शो के साथ जो दिग्विजय चौटाला है वो अपने पैतृक गांव चौटाला में पहुंचे हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ढोल नगाड़ों के बीच में दिग्विजय चौटाला एक बड़े रोड शो के साथ एक कैंटर में सवार होकर वो लोगों का अभिनंदन स्वीकार करें, साथ में उनके तमाम जो जेजेपी के नेता हैं लोकसभा प्रत्याशी रमेश खटक साथ में दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिएगा आप जो लोडर जेसीबी के साथ उन पर जो फूल बरसाकर उनका यहां पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर दिग्विजय चौटाला अपने पैतृक गांव चौटाला में पहुंचे हैं जहां पर उनका पहुंचने पर जो जेसीबी से फूल बरसाकर उनका हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको चौटाला गाँव से दिखा रहे हैं जहाँ पर अपने पैतृक गाँव चौटाला में दिग्विजय चौटाला पहुंचे हैं और पुष्प वर्षा करके दिग्विजय चौटाला का यहां पर अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का, उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो दिग्विजय चौटाला हैं वो अपने लोकसभा प्रत्याशी जो कि रमेश खटक के साथ यहाँ पर चौटाला में पहुँचे हैं और उनका यहाँ पहुँचने पर जोरदार आतिशबाजी के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, आसमान में आतिशबाजी हो रही है और चौटाला गांव में पहुंचने पर जोरदार जो स्वागत है वो यहां पर दिग्विजय चौटाला का हो रहा है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से दिग्विजय चौटाला एक बड़े रोड शो के साथ जहां पर जेजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आगे चलकर नारेबाजी ताऊ देवीलाल अमर रहे और जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक ताऊ तेरा नाम रहेगा के नारों के साथ जो उत्साह बढ़ा रहे हैं और एक बड़े रोड शो के साथ गांव अपने पैतृक गांव चौटाला में जो कि पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो फलसा जिसे पंचायती चौक चौटाला का बोला जाता है, अक्सर यहीं पर जब ताऊ देवीलाल भी कोई पंचायती होती थी जब भी वो गांव में आते थे तो
तो इसी फलसे के ऊपर हर जनसभा तब देवीलाल करते थे और तब से लेकर चौटाला परिवार की कोई भी जनसभा हो राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर जब मिलना होता है तो इसी फलसे पर आकर हर बातचीत होती है। तो आप देख सकते हैं आसमान में किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है पटाखों के साथ, आतिशबाजी के साथ, जो कि दिग्विजय चौटाला का यहाँ पहुँचने पर जोरदार स्वागत हो रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको चौटाला से दिखा रहे हैं जहां पर आज एक बड़े रोड शो के साथ जो दिग्विजय चौटाला है वो यहां पर पहुंचे और अभी आखिरी वक्त में जो कुछ ही घंटों का चुनाव प्रचार बचा है ऐसे वक्त में जेजेपी अपनी पूरी की पूरी जो ताकत है वो झोंक देना चाहती है और हर प्रत्याशी हर पार्टी की तरफ से बड़ी बड़ी रैलियों को रोड शो का आयोजन किया जा रहा है क्योंकि हर प्रत्याशी चाहता है कि वो पूरी की पूरी कैंपेनिंग को मजबूती के साथ आखिरी पलों में जो करे। और आप देख रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला नीचे उतर कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, दिग्विजय चौटाला स्टेज पर पहुंच चुके हैं, साथ में उनके जो जेजेपी लोकसभा सिरसा से प्रत्याशी हैं रमेश खटक पूर्व में विधायक वो यहां पर पहुंचे हैं और जोरदार उत्साह के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो दिग्विजय चौटाला का पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ पहनाकर उनका स्वागत हो रहा है। और लगातार तस्वीरें आप तेज रैना पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दिग्विजय चौटाला अपने पैतृक गांव चौटाला में पहुंचे हैं जहां पर उनका पहुंचने पर जो ग्रामीणों की ओर से जेजेपी कार्यकर्ता समर्थकों की ओर से फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत हो रहा है।